गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइड्स। और आज हम अपनी आसिक आगे वाला टायर चेंज कराने वाले हैं, क्योंकि ये टायर पूरा हो गया है फ्लैट और ख़राब हो गया पूरी तरीके से, जिसको हम आज चेंज कराएंगे। और ड्यूक के साथ एक मसला हो गया है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए, इसमें पूरा क्रैक आ गया है, तो गाड़ी चलाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ड्यूक के बारे में क्या हुआ है। तो टायर पूरा जिगल कर रहा है, मतलब पूरा जिगल कर रहा है, मतलब पूरा हिल रहा है। देखिए, हैंडल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि टायर पूरा ख़राब हो गया है। और बगल में ही शॉप है, तो किस्मत अच्छी है, तो वहीं जाके हम चेंज करा लेंगे टायर अपना, और फिर देखते हैं कितने का क्या पड़ेगा। तो सीएट का आई थिंक शोरूम है जैसे बगल में ही, सीएट और एमआरएफ का पता नहीं रखते हैं कि नहीं। सीएट का मैंने पूछा था, उनने कहा था हाँ है, तो देखते हैं वो लगवा लेंगे। ले दुकान पर पहुँचते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे बात करते हुए थोड़ा चलाना, कंसंट्रेशन मेरा वीक कर रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि चलानी है थोड़ी आगे तक, तो मैं बात करता हूँ शॉप पे डायरेक्ट। तो ये रही शॉप, यहाँ पे हमको आना था, ये काम करवाते हैं। और टायर बहुत ही जिगल कर रहा है, अब तो वापस भी नहीं जा पाएगी, तो पहले काम करवाते हैं। तो ये रहा टायर जो हम लगाने वाले हैं, ये लेकिन है आपका इसका टायर सेक्शन जो है वो है 100/80/17, इसमें लगा है 110/80/17। तो देखते हैं क्या सीन है, लग जाता है ठीक हम लगा लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा इमरजेंसी भी है, तो लगा के देख लेते हैं। अब टायर में गाड़ी इधर उधर लेके जा नहीं सकता हूँ, देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। अगर सही लगेगा तो लगा लेंगे, नहीं आएगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। गाड़ी को सीधा करो, सीधा करके लगाओ, नहीं वैसे ही लगाओ, वैसे घुमा के लगाओ, बस सीधा करके बताए कि उसे एक तरफ लगाओगे तो फिर वो होगा, प्लास्टिक टूट जाएगा, वो पूरा फाइबर ही है। सेंटर में करके लगाना और ऐसे घुमा के ही लगाओ। नहीं ब्रो, गलत कर रहे हो, टूट जाएगा बता। इनका जो बंदा है ये तो टायर खोल नहीं सकता, आगे वाला कह रहे हैं गाड़ी का नहीं खोल सकते, तो आगे एक फ्रेंड की दुकान है जस्ट मेरे फ्लैट के पास, तो वहाँ जाएंगे और रिम खुलवाएंगे, टायर सेट करवाएंगे वहीं पे। अब भाई इतनी बड़ी दुकान खोल ली है, बताओ इनको प्रोफेशनलिटी वाला कोई बंदा नहीं है, और वो गल रोड का बंदा है, बनाता है, वो कहता है मैं बना दूंगा, तो भाई क्या ही हो रहा है। यही तो होता है इंडिया में, जो बड़ी बड़ी दुकानें और लाइक जो दिखाते हैं हमारे पास ये सब है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, और जो स्किल्ड बंदा होता है उसको पैसे नहीं मिलते। आजकल यही हो रहा है इंडिया में। चले हौले बिल्कुल चल रहे हैं, फ्लैशर जला के पूरा हैंडल ट्विस्ट कर रहा है, लेकिन भाई क्या करें, अब करना पड़ेगा ज़्यादा, वैसे लाद के ले जाएंगे, बगल में ही है, मुश्किल से 500 मीटर 200 मीटर की बात थी। मैंने कहा यार क्या इसको लदवाना, आराम आराम से लेके जाते, रिम को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है तो इतनी दिक्कत कुछ नहीं होगी, आराम से। आप ज़्यादा लंबा थोड़ी 10 किलोमीटर जाना है, 200-300 मीटर के लिए आप इतना कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी को। बस ये है कि स्पीड को लाइक 20-25 से ऊपर ना चलाइएगा, बिल्कुल आराम से रेंगते हुए जाइए और आपका काम हो जाएगा, बस पास में रहिएगा। पहुँचते दुकान पर पहले, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ से पूरा कट गया है टायर, चलाने की वजह से उसको चेंज होगा, टाइम से खुला नहीं है तो बिल्कुल टाइट हो गया है, शायद न्यूमेटिक गन से इन लोगों ने टाइट किया था, हुआ होगा तभी इतना टाइट है। अब देखते हैं, पहले दोनों नट खुलेंगे, दो नट खोल लें, उसके बाद देखें। देखो भैया आगे वाला टायर निकल गया जुगाड़ में, क्या करें अब, जुगाड़ यही है तो करना पड़ेगा भाई, खुल गया है, बस सही हो जाए जुगाड़ में, क्या करें अब, इमरजेंसी में यही काम है तो यही करना पड़ेगा। पहले कोई नहीं, अब पास में होते कहीं तो करवा लेते, अब इमरजेंसी में यही जगह मिल रही है तो यही करवाना पड़ेगा, सही हो जाए बस तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। उल्टा साइड करते भाई, देखो तुम डिस्प्लेट से कर रहे हो,
अच्छा भाई कसम से भाई डिस्प्ले ऐसे टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि वो हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है टूट जाती है। 7 साल हो गए ना अभी तक कर करके समझ में आ गया है हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है तो टूट जाता है। यही होता है जुगाड़ वाली जगह पे, जुगाड़ वाले प्रोफेशनलिटी के साथ नहीं होता है। और हाँ सृष्टि बोल। और भाई कैसे हो? अबे यहीं पे हूँ, तो आगे वाला टायर बदल आ रहा हूँ आरसी का, तो अनुपम से कह देना पार्टी ले ले भाई। तो गया पलट के लगेगा। देखते हैं भैया सेट हो गया टायर, अब चला के देखेंगे तब पता चलेगा बैलेंस वैलेंस सब सही है कि नहीं। उधर रूल लगा पेच टूट गया क्या? अरे हम मसला हो गया भाई, दूसरे साइड का नट टूट गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, पट गया है भाई, वो बोल्ट टूट के हो गया है अलग, एक्सल में फंस गया। बोल्ट को उल्टा खुला सीधा रहा। A few moments later चेंज हो गया है और ये वाला भी जुगाड़ में लगाया है, इसको चेंज करवाएंगे जाके अभी। तो पहले देखते हैं हैंडल का बैलेंस सही हुआ है कि नहीं, फिर शोरूम जाके फिर वाला अलॉय चेंज कराएंगे। हैंडल अब ट्विस्ट नहीं कर रहा है, टायर और ग्रिप की इसकी सही लग रही है, लेकिन मुझे अब लग रहा है थोड़ा इसको अब यूज़ करने के बाद मैं आपको इसकी कमी बताऊंगा जो हमें लग रही है, अभी कंफर्म नहीं बताऊंगा क्या है। लेकिन टायर तो दिखने में अच्छा लग रहा है, फिट भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो ये वाला एंगल है ये बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है हल्का बहुत लीन करने में दिक्कत होगी। तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, और नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करना है, लेकिन अभी तो कराना ही था तो देखते हैं। तो अभी तो यही था इस ब्लॉग में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अब यही था इस ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ।